दोस्तों अगर पार्टी का माहौल हो तो भैया किड्स यूज करते हैं ये वाला स्पीकर, जो मेन होते हैं वो यूज कर लेते हैं फिर ये वाला स्पीकर, बट जो लेजेंड होते हैं वो यूज करते हैं ये वाला स्पीकर। दोस्तों हमारे पास में है सोनी का XV900, डब्बे में बड़ा बड़ा लिखा है लिव लाइफ लाउड। तो आप भैया पूरी लाउडनेस के साथ में, जिंदा दिली के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। हम आज इसी स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं, पूरा मजा उठाते हैं और मजा मिलेगा बेबी को, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, ओ भाई, डब्बे पे तो लिखा ही नहीं कि खोलने के लिए दो तीन लोग बुला लो ताकि इसको खोल भी लो और बाद में पार्टी साथ में कर लो। भाई ये है इतना बड़ा सा सोनी का XV900 स्पीकर। गाइस बॉक्स में साथ में यूजर गाइड, वारंटी का सामान वगैरह ये सब चीजें, रीडिंग मटेरियल, एक ऑप्टिकल ऑडियो केबल है अगर आप इसको अपने म्यूजिक सिस्टम या टीवी के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए, और फिर ये एक एसी पावर कॉर्ड है जिससे आप इसको पावर देंगे या फिर चार्ज करेंगे, बिकॉज ये एक पोर्टेबल स्पीकर है। ये एक पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है जो कि 25 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ में आता है। थोड़ा सा पहले इसको ध्यान से देखो, उसके बाद थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा आज है पहला दिन अपने बड़े भैया गौरव के साथ और आज फाइनली मैं भैया के पास आ गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भैया और मैं मिलकर आप सबको मेरी ढेर सारी खूबियाँ बताते हैं। भाई पीछे देखो। भाई सोनी ने इसके लिए तीन मेजर हाइलाइट्स बताई हैं, जो सोनी बोल रहा है वो है ओमनी डायरेक्शनल साउंड। तो वो तो होगी बिकॉज सामने भी एकदम बढ़िया सीन है, अगर हम साइड में देखेंगे तो हमारे पास में ट्विटर्स मिल जाते हैं, तो ओमनी डायरेक्शनल तो लगता है साउंड इसकी हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है टीवी के लिए भी जो है साथ में इसको आप यूज कर सकते हो, तो ऑफकोर्स अगर आप टीवी देख रहे हो और आपने इसको रख लिया बगल में तो फिर तो आप समझ लो सीधा सिनेमा में आ गए। लेकिन जो तीसरी चीज है आई डाउट थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे सोनी बोलता है इजी टू कैरी इसको। वैसे नीचे हमारे पास उसको व्हील्स हैं, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है भाई, ओहो हाथ टूट जाएगा। ये हैंडल इतने बड़े बड़े हैंडल और नीचे पहिए हैं, तो काइंड ऑफ लाइक दिस। जो लोग घर पे गैस का सिलेंडर नहीं उठा सकते वो प्लीज इसको उठाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि यहां पे दोस्तों जो वजन है 26.6 किलोग्राम, बहुत ज्यादा भारी है। अगर आपसे बात दोस्तों करूं मैं कुछ बेसिक चीजों की ना, तो हम एक बार इसको पहले पीछे से देख लेते हैं। हमारे पास में काफी सारे इनपुट्स का ऑप्शन हमको मिल जाता है। सबसे पहले यूएसबी का ऑप्शन है, आप इसके थ्रू गाने प्ले कर सकते हैं अगर आप कोई पेन ड्राइव में गाने रखे हो, लेकिन आप अपने डिवाइसेस को इससे चार्ज भी कर सकते हैं अगर आपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो। फिर हमारे पास में ऑडियो इन का पोर्ट है, ये ऑप्टिकल केबल लगाने का पोर्ट है ऑप्टिकल इनपुट के लिए, जहां पे क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। उसके अलावा फिर दोस्तों यहां पे हमारे पास में दो माइक इनपुट्स हैं, जहां पे इनफैक्ट एक माइक इनपुट को तो आप गिटार इनपुट के रूप में भी काम में ले सकते हैं। गिटार बजाते हैं वो लगा लो, माइक में चिल्लाना है भैया वो लगा लो। इसके अलावा फिर हमारे पास में यहाँ पे अगेन एक बटन बैटरी के लिए अगर आप इसको चार्ज करना चाहें। यहाँ पे हमारे पास में फिर ये एसी इनपुट है जो नीचे हमको मिल जाता है, और जितने भी कंट्रोल्स हैं वो स्पीकर में ऊपर की तरफ है।
मैंने सोचा था कि इतना ऊंचा होगा, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, अगर हम लिटा दें, मैं खुद भी दिखूंगा ना ऐसे, वरना मेरे को कैसे दिखेगा। हमारे पास में गाइस टॉप पे एक पैनल है, और जो टॉप पे पैनल है उसमें पावर बटन तो मिल जाता है, लेकिन बाकी जितने भी कंट्रोल्स हैं वो कम्प्लीटली टच वाले कंट्रोल्स हैं, तो काफ़ी इजी और फ्लेक्सिबल है। बाय द वे, आप इस स्पीकर को ऐसे लिटा के अगर चाहें साइडवेज यूज़ करना तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको दाएं बाएं दोनों तरफ ट्विटर्स मिलते हैं, तो सोनी के अकॉर्डिंग इस स्पीकर को खड़ा ही करके यूज़ करना पड़ेगा, और भाई ताकत चाहिए बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी, चलो खैर जल्दी से पेयर करते हैं और म्यूजिक एंजॉय करते हैं इसी बड़े से स्पीकर में। एक तीखे वाला भी होता है जो बहुत तीखा होता है ना, इसको ऐसे कर लो, फील करो, फिर करंट लगेगा। एकदम आवाज तीखी हो जाएगी बाद में, एकदम पतली हाई फ्रीक्वेंसी। एप्पल वॉच बोल रही है लाउड एनवायरनमेंट। मैं इसको अगर बंद भी कर दूंगा तो कानों में से चीख की आवाज दी जाएगी। दोस्तों हमारे पास में ये जो स्पीकर है भाई, इसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स यू नो, आप इसकी सोनी जो आपका म्यूजिक कंट्रोल ऐप है उसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी लाइट्स वगैरह को आप बड़े आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यू नो आप ऐसा अपना इक्वलाइजर वगैरह सेट कर सकते हैं, सारा पार्टी वाला माहौल बना सकते हैं। ऊपर ऑफ कोर्स हमारे पास में इसके अंदर यू नो टच पैनल्स हैं, लाइट वाइट को भी चेंज कर सकते हैं, और ये लाइट काफ़ी अच्छे से हिडन है, और एक अच्छा, बिकॉज नीचे भी यहाँ पे लाइट्स हैं और ऊपर भी है, तो आपको एक पूरा ऐसे ग्लो वाला इफेक्ट मिलता है, और डेफिनेटली यार ये एक पार्टी एनिमल साबित हो सकता है। मतलब अगर घर में पार्टी हो तो सबसे ज़्यादा शोर यहीं से निकलेगा, बिकॉज इससे तेज कोई आवाज़ निकाल दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ, मैंने याद है एक JBL के पार्टी बॉक्स की अनबॉक्सिंग की थी, और वो अपने आप में बहुत बड़ा स्पीकर था, वो मेरे पास में यहाँ पड़ा है, ये बच्चा है इसके सामने, ये देखो, लुक एट इट। मतलब ये अपने आप में भाई बहुत खतरनाक स्पीकर है, और इसका हमने बहुत मज़ा उठाया है, काफ़ी तगड़ा। इसके अंदर भी ये आपको हैंडल वगैरह मिल जाता है, नीचे आपको पहिए वगैरह मिल जाते हैं, बट दिस इज़ अ बेबी, ये मतलब आराम से आप हैंडल कर लेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आता है चीज़ों को। ऊपर हमारे पास में यहाँ पे आईपैड के लिए या फ़ोन के लिए जो है वो शेल्फ भी है, आप इसको बड़े आराम से रख सकते हैं यू नो अपने किसी डिवाइस को जिससे आप प्ले कर रहे होंगे। टच बटन्स बहुत सही से हैं, पीछे IO पोर्ट पूरा दिया हुआ है, 25 घंटे की बैटरी लाइफ है जो कि क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है, मतलब अगर आपने केवल 10 मिनट्स को चार्ज लगाया है तो ये 3 घंटे का आपको प्लेबैक दे देगा। मेरे ख्याल से भाई फॉर द रियल पार्टीज ये स्पीकर आप काम में ले सकते हैं। प्राइसिंग अगर आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ये, बिकॉज इसकी प्राइस जो बॉक्स पे लिखी है वो तो 1,00,000 रुपए लिखी है, बट एक्चुअल में सोनी ने इसको जिस प्राइस पे लॉन्च किया है वो है 79,990 रुपीज। तो ये भी वो घर जाएंगा वाला हिसाब है भाई, 80,000 का स्पीकर है, तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एंड दिस इज मेटल, ये सामने पूरी मेटल की ग्रिल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर पूरा बिल्ट जो है वो मुझे देखने को मिलता है, और मतलब भाई ये देखो, मैं अपने आप को काफ़ी बड़ा इंसान मानता हूँ, अबव एवरेज हूँ अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, लेकिन यहाँ पे मतलब ये देखो आप ढंग से इसको गले न लगा पाएंगे, तो ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ा सा स्पीकर है। और चलो एक गाना बजाते हैं।
भाई बहुत तगड़ा है ये, बहुत तेज आवाज है यार। तो भाई इसको जितना सुने उतना कम है, और बेसिकली गाइस ये आता है एक्स बैलेंस्ड स्पीकर यूनिट के साथ में। और अगर आपकी लाइफ का बैलेंस भी थोड़ा बहुत हिला हुआ है, दाएं बाएं चल रहा है, तो एक बार इसके सामने गाने सुनो, वाइब्रेशन होगा ऐसा अंदर तक कि एकदम बढ़िया सब कुछ चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। ये इनफैक्ट एक फेस्टिवल ऐप भी है, उसको भी सपोर्ट करता है, तो वहाँ से आप और फर्दर जो है वो अच्छे से इसको यू नो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि यार ऐप में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। और ये आई मीन मेरे ख्याल से दिस इज़ द अल्टीमेट पार्टी स्पीकर अंटिल द नेक्स्ट वन कम्स, बिकॉज अभी तक तो यार हम छोटे वाले स्पीकर भी खुश हो रहा करते थे कि हाँ भैया पार्टी करेंगे, पोर्टेबल स्पीकर ले आओ। लेकिन अगली बार अगर कोई दोस्त बोलता है कि भाई पार्टी करनी है, तेरे पास पोर्टेबल पड़ा, उसको लेके आ जाओ, तो ये लेके पहुंचो दोस्त के घर, और पीछे क्या CNG की गाड़ी में लगा ले अगर तो गाड़ी बहुत सारा मजा देगा भाई आपको स्पीकर गाइस। और मैं अभी कोशिश करने वाला हूँ थंबनेल के लिए इसको उठाने की। तो दोस्तों सुना ना आपने मेरी कहानी भैया की जुबानी, ये थी मेरी कुछ स्किल्स जो आपने देखी। ऐसे ही मुझ में और भी स्किल्स और टैलेंट है, ऐसे ही मेरे और फीचर्स जानने के लिए देखते रहिए गौरव भैया का ये वीडियो। सिर्फ इतना ही नहीं, भैया की बाकी वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार देते रहिए। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। आप बताओ वैसे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर ऑफ कोर्स मेरे लिए, स्पीकर के लिए, जिसका जिसके लिए मन करे भैया जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और शेयर। और नीचे बताओ कमेंट करते हुए कि क्या आप ऐसे किसी स्पीकर को यूज करते हुए पार्टी का मजा सीधा इनटू 100 करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।